रहमत है, पूरी कायनात के लिए रहमत है, 18,000 मखलूक के लिए ये महीना रहमत का महीना है। ये महीना रहमत का महीना है। इस महीने में मतलब नमस्कार आदाब, आप इस समय देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज़। आपको बता दें कि 16 अप्रैल यानी कि रविवार के दिन महानगर कोलकाता के मोहसिन हॉल में है, वहां दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था शाह फखरुद्दीन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, जहां हर धर्म के गुरु देखने को मिले थे, जैसे कि एडवोकेट योगी प्रतीक मजुमदार, बलजीत सिंह ग्रेवाल, कलीम फिरदौस और भी कई सारे सोशल वर्कर्स भी वहाँ मौजूद थे। इस दावत इफ्तार को आयोजन करने वाले जिनका नाम सुरेश दास है, जो कि खुद सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं और सेक्युलरिज्म की एक मिसाल हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा योगदान रहा है प्रेसिडेंट मोहम्मद नूरुल हुदा, वाइस प्रेसिडेंट सुरेश दास और सेक्रेटरी मोहम्मद हसीन अशरफ का। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। इफ्तार पार्टी है कि इफ्तार पार्टी नहीं, ये हमारा एक मैसेज जाता पैगाम, ये हमारा पैगाम हमारे हिंदुस्तान के सभी जगह पे ये प्रोग्राम होते हैं। ये हम लोग दिल खोलकर प्रोग्राम करते हैं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कुछ बोलकर नहीं है। ये हम लोग सिर्फ एक पैगाम देने जाते हैं कि देखिए अभी भी हमारे हिंदुस्तान में जो है हमारे मुसलमान भाई, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी लोग हम लोग मिल के अपना पर्व में उनको दावत देते हैं, उनके पर्व में हम लोग को दावत देते हैं, हम लोग जाते हैं। तो ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में इसी तरीके से हम लोग जैसा मुसलमान जैसा अपने दिलों में मोहब्बत रखते हैं गैर कौमों के लिए, इसी तरीके उन लोगों भी कहते हैं कि हम लोगों के लिए भी मोहब्बत अपने दिलों में रखिए। इस ये 1,00,000 हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हमारे भाई भाई। बस ये इफ्तार पार्टी जैसे हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखिए आने वाला कल में जो अभी जिस तरीके से माहौल है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, फिसना फसाद कराया जा रहा है, उससे बचने के लिए हम लोग ये पैगाम आर देना चाहते हैं कि हम लोग भी मोहब्बत के लिए आगे बढ़ने चाह रहे हैं। आप देखिए ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है सिर्फ मुसलमान के लिए, क्योंकि मुसलमान की देखिए मुसलमान के दिलों में जितनी मोहब्बतें हैं, नफरत है ही नहीं, नफरत नाम का अगर यही मोहब्बतों से हम लोग उन लोगों के दिल में मोहब्बत करना चाहते हैं कि देखिए नफरत छोड़िए और मोहब्बत की तरफ आइए, इसीलिए हम लोग नफरत की तरफ जाने ही नहीं चाहते। ये है भारतवर्ष का सबसे बड़ा परंपरा है, सबको लेके मिल के नाना जाति नाना भाषा नाना परिधान, ये एक बहुत कीमती काव्य हमारा देश में रहता है वो, और एक जाति एक प्राण एक होता, यही दूटो बांग्ला कहता, हम हिंदी से नहीं बोला क्योंकि बंगला से बोला जाता है बंगाल में, बंगाली लोग जो बंगाल और सारा देश भरा हुआ वर्ल्ड लेवल में ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर जो किया उस पर एकता वही एक चीज़ है जहाँ पर हर आदमी को इकट्ठा करते हैं, मानवता से लेके आदमी का जब जिंदगी में साइंटिफिकली अगर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं झंझट होता है, कुछ संस्कार उसको खा लेते हैं और उसका बाद में उसका फिलोसॉफी क्लियर होता है, और फिलोसॉफी और साइंस जब आ जाता है तो हर आदमी वो धर्म का ऊपर पूरा, कोई धर्म पे बिना साइंस में नहीं है, बिना फिलोसॉफी में नहीं है, लेकिन उस धर्म के ऊपर उसका दखल नहीं है तो धर्म बेधर्मी का रूप लेता है, कहीं हिंदू बोलो मुसलमान बोलो क्रिश्चियन बोलो, ये वर्ल्ड में ऐसा है। और ये हर चीज़ का मकसद है स्पिरिचुअली सबको एक साथ में रहने का, समन्वय का दीक्षा हर धर्म पर दिया है, लेकिन वो जो कामयाबी नहीं कर रहा है वही वो पछता रहा है, वो आई परेशानी में हम लोग भी है। देखिए मैसेज देने के लिए बहुत कुछ भाषण दे सकता है, हम बोलेंगे किसी को मैसेज नहीं, वो अपना महसूस करे, अनुधावन करे कि हम अच्छा रहेंगे दूसरा को अच्छा रखेंगे, ये हम कुछ बोलकर तुम अच्छा रहो मैं खुद अच्छा नहीं है उसका कोई भाव नहीं रहेगा, खुद को अच्छा रहने का अनुधावन होना चाहिए कि दुनिया में इंशाल्लाह ऊपर वाला जो हम लोग को भेजा है हम लोग को क्या कर्म है वो मालूम होना चाहिए, और उसी का जो हिसाब हम लोग के ऊपर छोड़ा है वो अगर हम लोग कामयाबी करें हम लोग का हर आदमी अपना यहाँ अपना ज़िंदगी में तो दुनिया एकदम बदल जाएगी, एकदम सर्ग जैसी हो जाएगा। देखिए इन लोग पहला बात जिसका नाम लिया है उससे इसका नाम लेना नहीं चाहिए है, समझा कि नहीं, धर्म का हिसाब से सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को माना जा रहा है, तो उसमें एक बड़ा खबर है जो आपने बोला है जो जिसका जन्म सृष्टि होता है वो ब्रह्मा का तुम सिंबल है, और ये दुनिया को रक्षा करने के लिए विष्णु देवता को माना जाता है सनातन में, और जो प्रलयंकारी है वो देवादिदेव महादेव है, तो ये जो हो रहा है जो इसको प्रलय आने का पूरा टाइम हो गया, प्रलय चल रहा है फिर नया कुछ होना है, इसमें अच्छा नहीं होने वाला है, इंडिया का जो परंपरा है ये 200-500 का नहीं हजार हजारों साल में चल रहा है, और ये विवर्तन में ऐसी छोटा मोटा घटना घटते जा रहा है, कुछ आदमी लोग अपने को भगवान सोचता है अपना खुद भगवान नहीं है, ये मेरा बोलने का है, उनका ही उसके ऊपर सिर नीचा करके दुनिया को अपना जिंदगी हमारा। देखो नूरुल हुदा और जैसे अभी आया ये आया मेरा पास उजीर अली मोल्ला हेड मास्टर है बाबुल शेख मोहम्मद और ऐसे आदमी लोग हैं जो सब आदमी को मिल के सोसाइटी में कुछ काम, हम लोग खाली नहीं आया कि
बहुत सारे इफ्तार हमने अटेंड किया है, वहाँ खाने से भी ज़्यादा है कि सब तीन भोर जो आदमी लोग ऊपर वाला का नाम लेके उपवास करते हैं, हम लोग भी करते हैं पूजा में, वो शरण के बाद में उस टाइम पर सब आदमी को जो प्यार से मिलता है वो एक तो भावना, कोई अच्छा सेंट लगाने से अच्छा गंध होता है, वही सेंट बुरा होने से फेंक देता है, तो ये अच्छा सेंट आदमी को जाना चाहिए कि वो सोसाइटी में उसको फैलाया जाए, और सबको लेकर चलने का, वो खाली मुंह में बोलने से नहीं होगा, उसको कर्म करके दिखाने पड़ेगा। इसीलिए मैंने तो इसका श्रेय हम जितने लोग आए सभी को इसका श्रेय देंगे, सबसे ज़्यादा मैं अपने भाई सुरेश दास को दूंगा और हमारे दादा सुकुमार विश्वास जी को दूंगा, क्योंकि क्योंकि इस्लाम कहिए या कोई भी धर्म कहिए इंसानियत का पैगाम देता है, ये इफ्तार पार्टी नहीं, ये इंसानियत का दावत है, ये रहमत की दावत है, और इस रहमत 18,000 मखलूकों के लिए ये रहमत है, किसी मुसलमान के लिए मेहनत रहमत नहीं है, ये किसी हिंदू के लिए रहमत नहीं है, कुल जहान के लिए रहमत है, तो इस रहमत का मैं सबसे पहला श्रेय दूंगा तो मैं हमारे कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश दास, हमारे कमेटी के चीफ पैट्रोन सुकुमार विश्वास जी को दूंगा, और मैं आप लोगों को इसका श्रेय दूंगा, और जो लोग इसमें शामिल हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए मैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं उन सभी लोगों को इसका श्रेय दूंगा। मुसलमानों का प्रोग्राम नहीं है, इस बात को समझ लें, हो सकता है एक मुस्लिम धर्म में एक त्यौहार है रमज़ान, मगर रमज़ान किसी मुसलमान के लिए नहीं आया था, रमज़ान कुल जहान के लिए आया था, कुल इंसानियत के लिए आया था। रमज़ान का मतलब क्या है? अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स अपने ख्वाहिशों को मिटाना, रमज़ान का रोज़ा किसका रखना है? आँख का रोज़ा रखना है, ज़ुबान का रोज़ा रखना है, कान का रोज़ा रखना है, हाथ का रोज़ा रखना है, पाँव का रोज़ा रखना है, सब चीज़ों का रोज़ा है, ये अपने नफ्स को मारने का मैटर है। अल्लाह ने यह सिखाया है बुराई से बचो अच्छाई की तरफ आओ, तो अच्छाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं दिया है, 18,000 मखलूक के लिए दिया है, कुल जहान के लिए दिया है, हर धर्म के लोगों के लिए दिया है, तो मैं इसे नहीं कहूँगा कि ये कोई सेकुलरिज्म का पैगाम दे रहा हूँ, मैं इंसानियत का पैगाम दे रहा हूँ। देखिए कौन रहनुमा बनते हैं ये तो हमें नहीं पता, हमारे कौम का रहनुमा मेरे अल्लाह का रसूल है, बट हाँ मर्द मुजाहिद है जो लोग हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, यहाँ पे हर तरह के तबके के लोगों को दावत दे करके एक दस्तरखान में बैठा करके एक हिंदू मुस्लिम एकता अमन शांति का एक प्रतीक जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है और ख़ास करके बंगाल हमारा अमन व अमान का एक स्टेट है, इसको मैसेज देने के लिए आज हम लोगों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और बाखूबी सब लोग आए इकट्ठा हुए, ये बहुत खुशी की बात है।